आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान की आजादी का जो काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर साफ लग रहा है कि अब वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है, क्योंकि जो बलोच के नागरिक हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ ही जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बलोच के नागरिकों पर लगातार गोलियां बरसा रही है, जिसके बाद जो बलोच के नागरिक है उनमें और भी ज्यादा गुस्सा और उबाल देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बलोच को राष्ट्र बनाने की मांग लगातार हो रही है और इसे लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं और जो तस्वीरें सामने आई है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि जो गुस्से की ये चिंगारी है अब वो ज्वालामुखी में भी तब्दील हो जाएगी, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होगा, ये उसी का ट्रेलर है। पाकिस्तान बलोचों का दुश्मन है, ये उसकी जिंदा तस्वीर है। कैसे बलोचों पर जुल्म किए जाते हैं ये उसका लाइव सबूत है। बलोचों के लिए अपनी आवाज बुलंद करना जुर्म हो गया है, इंसाफ के लिए आवाज उठाना अपराध हो गया है। निर्दोष बलोच ग्वादर में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, टायर ब्रश किए जा रहे हैं। लेकिन बलोचों ने ग्वादर में सबसे बड़े गदर का ऐलान किया है। ग्वादर में लाखों की भीड़ जुट रही है, जिससे पाकिस्तानी सेना और सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। बलोचों ने इस प्रदर्शन को नेशनल असेंबली घोषित किया है, जिसमें बलोचों के नरसंहार का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन का भी विरोध हो रहा है। चीन के आर्थिक गलियारों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों के खिलाफ आवाज उठाए जा रहे हैं। बलोच राष्ट्र की मांग के लिए लाखों बलोच जुटे हैं, अलग राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक जनमत संग्रह की आवाज बुलंद हो रही है। मतलब साफ है, बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए कैसे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाते बलूचों पर पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही है। यही नहीं, जुर्म का विरोध करने वालों को जबरन उठा लिया जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या कराकर शव को गायब करा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इन अत्याचारों के खिलाफ बलूचों के सीने में फड़कती हुई चिंगारी अब वो ज्वालामुखी बन चुकी है, जो पूरे पाकिस्तान को भस्म करने की तैयारी में है, जिसका आगाज ग्वादर से हो गया है। बलोच लोगों के प्रदर्शन में क्या हो रहा है और क्यों पाकिस्तान सेना और सरकार डरी हुई है, ये भी आपको बताते हैं। बलूचिस्तान की आजादी की बात करें तो ये एक बड़ा आंदोलन है। पाकिस्तान के ग्वादर में जो लाखों बलोच हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अलग बलोच राष्ट्र की मांग के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। बलोच लिबरेशन फ्रंट लश्कर ए बलूचिस्तान का भी समर्थन हासिल है और कई अन्य संगठनों का भी प्रदर्शन को समर्थन हासिल है। बलोचों पर सेना के अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। गायब हो रहे बलोच लोगों की बरामदगी के लिए प्रदर्शन जारी है। जाहिर है पाकिस्तान के बलोचों पर बढ़ती ज्यादती एक बार फिर पाकिस्तान के टूटने की वजह बनेगी और ये उसी का ट्रेलर है। और ग्वादर में जिस तरह से प्रदर्शनकारी जुटे हैं वो पाकिस्तानी सेना और सरकार की परेशानी बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की मांग और अब तेज हो चुकी है और इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो है सामने आ रही है पाकिस्तान से। और लेकिन आखिर ये मांग क्यों उठी और उसके पीछे की क्या वजह है और क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, जरा ये समझ लेते हैं। देखिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह लगातार अब देखने को मिल रहा है। बलोचों के नरसंहार से जनता अब आक्रोशित नजर आ रही है, क्योंकि लगातार वहां पर जो पाकिस्तानी आर्मी है उनकी तरफ से गोलियां बरसाई जा रही है, पाकिस्तानी सेना कर रही है नागरिकों की हत्या और यही वजह है कि गुस्सा जो है और भी उग्र हो गया है। पाकिस्तान और चीन के विद्रोह में भी नागरिक जो है सड़कों पर उतर आए हैं।
चीन की आर्थिक गलियारों का भी अब विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के खिलाफ भी गुस्सा लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि लगातार वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती है कि जो पाकिस्तान है उस पर ये विद्रोह जो है भारी पड़ सकता है। बलोच राष्ट्र के अस्तित्व की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर हजारों बलूच जो है वो उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें जो गुस्से की आग है वो लगातार और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो ये गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं सेंटर बंद और सरजी तंग की। ये इसलिए क्योंकि दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद अभी भी छात्रों का गुस्सा उबल रहा है और शांत नहीं हुआ है। अब छात्र भूख हड़ताल पर हैं, लगातार उनकी मांगे हैं कि ना सिर्फ मुखर्जी नगर में, ना सिर्फ राजेंद्र नगर में, बल्कि दिल्ली के जिन भी इलाकों में कोचिंग सेंटर है उनके बेसमेंट को सील कर दिया जाए। इसके अलावा छात्र मास्टरों से सवाल पूछ रहे हैं, खासतौर पर दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति से और खान सर से, जिन्हें बच्चे काफी सुनते हैं, कि इसके पीछे वो जवाब दें, और इस वजह से बच्चे नाराज भी हैं। रिपोर्ट देखिए। राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी है। सवालों के घेरे में आई एमसीडी लगातार कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला लग चुका है। इस लिस्ट में दृष्टि आईएएस कोचिंग के विकास दिव्य कीर्ति भी शामिल है, जो इस घटना के सामने आने के बाद से ही लगातार चुप थे, जिसे लेकर वो लगातार छात्रों के निशाने पर भी आए। लेकिन अब हादसे के 4 दिन बाद विकास दिव्य कीर्ति ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, एक दो सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे, पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा, मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है। विकास दिव्य कीर्ति ने बताया कि वो हादसे के बाद से ही दुखी है, लेकिन हमेशा हर मुद्दे पर मुखर रहने वाले विकास दिव्य कीर्ति सर ये नहीं बता पाए कि वो हादसे के बाद 3 दिनों तक चुप क्यों रहे और वो सामने क्यों नहीं आए, जबकि इस बीच लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बेसमेंट में चल रहे दृष्टि कोचिंग सेंटर को लेकर भी नाराजगी दिखाई। हैरानी ये है कि छात्रों को दुनिया भर का ज्ञान देने वाले विकास दिव्य कीर्ति इस मुद्दे पर अपनी सफाई में उल्टा बच्चों और मीडिया को ही दोषी ठहरा गए। मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है।